मेरा। हाय टीचर। ये क्या दिख रहा है तुम्हें? चीट। चीट शीट है ये, है ना? क्या नाम है हमारे लेसन का? गेस द वर्ड। तुमको क्या करना है, ये जो पिक्चर है पिक्चर देखना है और ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, वन बाय वन सेंटेंस देखते हैं और पिक्चर देखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। चलो मायरा, तो इसको हम फिल करते हैं। ठीक है, चलो पहला सेंटेंस देखो। वंस देयर वाज अ डैश डैश ही वाज फैट। क्या कौन है ये? किंग। किंग है। कैसे लिखेंगे हम इसको? KING। अभी तो मैं लिख रही हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम लोगों को लिखना है, प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, ओके। द किंग लिव्स इन डैश। क्या दिख रहा है ये तुम्हें? उसका महल। महल, बहुत अच्छे। ये क्या है? उसका महल है। महल को क्या कहते हैं? पैलेस। पैलेस। हाँ, किंग लिव्स इन पैलेस। राजा कहाँ रहते हैं? महल में। ठीक है। द किंग हैड अ डैश डैश। कौन दिख रही है तुमको यहाँ पर? क्वीन। गुड। कौन है ये? क्वीन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। द फ्लावर इज इन डैश डैश इन कलर। कौन से कलर के फ्लावर्स हैं ये? वेरी गुड, वेरी गुड, ब्लू कलर के हैं। देयर इज अ डैश डैश ऑन फ्लावर्स। फ्लावर्स पे कौन है? बटरफ्लाई। गुड, बटरफ्लाई 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 यानी तितलियां। ठीक है। द डैश डैश रैन आउट ऑफ द डैश डैश। अब देखो मायरा, ये बताओ मुझे, ये कहेगी तुमको इमेज दिख रही है घर की। घर को क्या कहते हैं? हाउस। और ये कौन है? माउस। तो घर में से कौन भाग रहा है? माउस। तो यहाँ पहले क्या आएगा? द माउस रैन, मतलब रैन मतलब क्या होता है? भागा। कौन भागा? चूहा भागा। तो यहाँ पे क्या आएगा? माउस। द माउस रैन आउट ऑफ द, किसके बाहर भागा वो? घर के। घर को क्या कहते हैं? हाउस। द माउस रैन आउट ऑफ द हाउस। हो रहे ना सेंटेंस कम्प्लीट हमारे? ठीक है, लास्ट में तुमको पढ़ना है पूरे सेंटेंस। ओके, चलो नेक्स्ट। अंडर द डैश डैश देयर वाज अ डैश डैश। देखो बोला अंडर, किसके अंडर कौन है यहाँ पर? लीफ। गुड। कौन है? मेंढक है। मेंढक को कहते हैं फ्रॉग। तो अंडर द डैश डैश, अंडर किसके? लीफ के। देयर वाज अ डैश डैश मेंढक। मेंढक यानी फ्रॉग। अभी देखते हैं, अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, आगे पूछ रहा है हमको। द फ्रॉग सॉ अ डैश डैश। किसको देख रही है फ्रॉग? रैबिट। गुड, ये क्या है? हमारा रैबिट है। अरे बाप, बहुत अच्छे मेरा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अंडर द लीफ देयर वाज अ फ्रॉग, द फ्रॉग सॉ अ रैबिट। ठीक है, अब और हमारे पास कुछ है, हम उसको भी यहाँ पर फिनिश करते हैं। चलो ठीक है, देखो क्या सेंटेंस है। देयर इज अ डैश डैश नियर द पाउंड। तो ये पाउंड है, पाउंड के पास कौन है? फिश है, या फिर पाउंड के अंदर फिश है। हमको क्या पूछ रहा है? नियर पूछ रहा है। नियर कौन है यहाँ पर? ट्री है। नियर कौन है वहां पर? ट्री है। ठीक है। द फिश कलर इज डैश डैश। कैसा है फिश का कलर? ऑरेंज। गुड, वेरी गुड। तो क्या है? देयर इज अ ट्री नियर द पाउंड, द फिश कलर इज ऑरेंज। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देयर वॉज अ डैश डैश गोट्स नियर द गेट। गेट के पास देखो कितने गोट्स हैं, काउंट करो। थ्री। हाँ, वन टू एंड थ्री। ठीक है। देयर वॉज अ थ्री गोट्स नियर द गेट, टू ऑफ देम विद डैश डैश। उसमें से दो कौन से कलर के हैं? व्हाइट। वेरी गुड। दो कैसे हैं उसमें से? व्हाइट है। एंड वन इज डैश डैश, एक ब्राउन कलर की। गुड, और एक कौन से कलर की है? ब्राउन कलर की है। तो गेट के पास हमारे तीन बकरियां हैं, उसमें से दो सफेद और एक ब्राउन है। द फादर इज डैश डैश द वेजिटेबल्स। क्या कर रहे हैं फादर? वेजिटेबल खा रहे हैं? नहीं। क्या कर रहे हैं फिर? काट रहे हैं। गुड, तो हम क्या बोलेंगे इसको? कटिंग। क्या बोलेंगे इसको? कटिंग। द फादर इज कटिंग द वेजिटेबल्स। ऑल द गर्ल्स एंड डैश डैश। गर्ल्स और किसके साथ है यहाँ पर? बुक्स। बुक्स भी हैं साथ में, लेकिन बैठे कौन है साथ में गर्ल्स के? बॉयज। गुड,
बॉयज और गर्ल्स ऑन द डैश डैश कैपे बैठे हैं वो सब टेबल टेबल ये बेंच है कैपे बैठे हैं सब बेंच गुड बेंच पे बैठे हैं तो अब देखो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज सैट ऑन द बेंच पहले कैसा इनकम्प्लीट लग रहा था वो लेकिन अब क्या हो गया कंप्लीट हो गया